खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है। नमस्कार, खबर सेवन सी न्यूज चैनल से मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कुछ दिन पहले कुरांव तहसील के अंतर्गत राशन कार्ड सत्यापन का पैसा लेने का आरोपित लेखपाल अमिलिया अनुपम गुप्ता का वीडियो वायरल किया गया था, जिसकी सच्चाई साफ तौर से तब जानने को मिली जब लेखपाल को पैसे देने वाले व्यक्ति के पास जानकारी लेने खबर सुनसी की टीम पहुंची। उस समय साफ तौर पर उस व्यक्ति ने स्वयं जानकारी दी कि मेरे पास छुट्टा न होने के कारण मैं स्वयं लेखपाल से छुट्टी लेने लगा, जिससे मुझे पैसा लेते समय मेरे कुछ विरोधी लोगों ने मिलकर वीडियो बनाया और वायरल करने लगे। लेखपाल का पैसा लेने वाला वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिखाया गया है कि लेखपाल ने राशन कार्ड सत्यापन में आपसे पैसा मांगा है, इसकी क्या सच्चाई है? उसमें लेखपाल ने मेरे से पैसा कोई नहीं मांगा है, वो पैसा है मैंने चिल्लर दे रहा था क्या बोलते फुटका कराने के लिए, इसलिए वो वीडियो बनाकर वो क्या बोलते वायरल कर दिया गया। और बाकी वो मेरे से लेखपाल ने पैसा कोई नहीं लिया। आपसे लेखपाल ने जो है पैसा मांगा था राशन कार्ड सत्यापन में? नहीं मांगा था वो सत्यापन के लिए, वो तो मैंने तो चेंज कराने के लिए तो पैसा दिया था, इसलिए वो वीडियो अगला आदमी बना के वो वायरल कर दिया। और तो मेरे से पैसा कोई नहीं मांगा गया लेखपाल। और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो पैसा आपसे ले रहे हैं? वो तो पैसा मेरे से ले रहे, तो मैंने चेंज कराने के लिए मांगा था इसलिए वो तो पैसा ले रहे थे, बाकी तो ऐसे मेरे सत्यापन करने के लिए पैसा नहीं ले रहे थे। अच्छा, उसमें जो पैसा दिख रहा है आप उनसे जो है फुटकर ले रहे थे? मैंने फुटकर ले रहा था इसलिए वो आप मुझे दे रहे थे वो भी ले रहे थे भाई, मैंने 500 का नोट दिया तो उन्होंने फुटकर मुझे दे रहे थे 100-100 का। तो उसमें जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें दर्शाया जा रहा है कि आपसे पैसा ले रहे हैं, से सत्यापन में पैसा मांगा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो सब झूठा है, वो तो मैंने तो चेंज ले रहा तो अगला आदमी वीडियो बना कर वो इसका वायरल बना रहे दिए रहे तो उसके बोले नौकरी चली जाएगी इसलिए, बाकी तो मेरे तो सत्यापन करने के लिए पैसा कोई नहीं लिया गया। नीलेश सिंह, ग्राम अमलिया चंदापुर। तो ये जो लेखपाल का वीडियो है, हाँ, ये लेखपाल आप ही के गांव के हैं? हाँ, लेखपाल मेरे गांव के ही है, अनुपम गुप्ता। जो राशन कार्ड सत्यापन में जो वीडियो दिखाई दे रहा है वो आप ही है? हाँ, वो मेरा ही है वीडियो। वीडियो वायरल कौन किया था? वो वायरल तो वो आदमी किया, तो उसका हम गांव को तो नाम तो नहीं मालूम है, क्या मालूम कौन बना लिया था, वो तो मैं तो चेंज करने के लिए दिया था लेखपाल से, तो अगला आदमी कोई वीडियो बना लिया था, तो मुझे मालूम नहीं है नाम कौन बनाया है वीडियो। आपका नाम? मेरा नाम नीलेश सिंह। पिताजी का नाम? कमल नारायण सिंह। ग्राम? ग्राम अमलिया चंदापुर। तहसील? तहसील कुरांव, वेस्ट मानपुर। नीलेश जी से आपका क्या संबंध है? हमारा नाती है और कुरांव गए हैं राशन कार्ड बनवाने। ये अफवाह हुआ है कि लेखपाल साहब पैसा मांग रहे थे, ये सरासर झूठ है, ये अफवाह जो फैलाए हैं ये सब गलत है।
कैसे मान लिया आप गलत है, ये तो अफवाह हो रहा है। नीलेश नाती बोला कैसे हम लेखपाल साहब पैसा नहीं मांगे और न मैं दिया, हमसे छुट्टा मांगे तो मैं छुट्टा। तो जो लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं वीडियो, वायरल कर रहे हैं, ये सब गलत है, ये अफवाह कर रहे हैं, किसी के फंसाने के, किसी के नौकरी लेने के, ये सब गलत है। जी जी, ये सरासर अन्याय है ना, ये सरासर अन्याय है, आई इसमें कोई असलियत नहीं है, आई ये झूठा ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि ऐसा है हमारे हल्का के लेखपाल हैं, अब उनको दबाव बस कर रहे हैं हर प्रकार के, जिसमें हम उनसे कुछ पैसा छीने, ये ऐसा करें, ब्लैकमेल करें, ये सब गलत बात है, ये चीज़ें न होना चाहिए। हमारे जब मिले से नाती पैसा नहीं दिया, ये सरासर झूठ है, लेखपाल साहब भी नहीं मांगे और सच्चे ईमानदार हैं, आज के नए लड़के आए हैं तो ये पैसा नहीं मांगते। आप नीलेश सिंह के कौन हैं? हम बब्बा है। नाम क्या है आपका? दिनकर प्रताप सिंह। ग्राम? ग्राम अमलिया। तहसील? तहसील कोराँव, थाना कोराँव, जिला इलाहाबाद, प्रयागराज।